दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन 18 मई को जारी हुआ था, लेकिन लेट नाइट जारी होने के कारण मैं आपको कल ही अपडेट इसका नहीं दिया हूँ, तो आज इसका सुबह में अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि नाइट में लेट आया था ये नोटिफिकेशन। तो ये जो है वार्षिक परीक्षा मार्च अप्रैल 2022 का यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ है। तो कौन सा विषय है, एमए इतिहास पूर्व का रिजल्ट है ये। तो 485 स्टूडेंट पंजीकृत थे और 484 इसमें शामिल हुए, उसमें से 452 पास हुए हैं और 3 स्टूडेंट फेल हुए हैं, 1 यहाँ पर एबसेंट था और 29 स्टूडेंट के यहाँ पर रिजल्ट रोके गए हैं। इस प्रकार से इसका ऑल ओवर रिजल्ट जो है 93.39% आया है एमए इतिहास पूर्व का। तो इसका जो रिजल्ट है यहाँ पर, ये जो लिंक है durg.ucanapply.com पर जो है रिजल्ट आप लोग अपना रोल नंबर एंटर करके देख सकते हैं। तो यही नोटिफिकेशन है। तो आगे के लिए और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा के रखिएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।